एक अच्छी कहानी की क्या खसूसियात होती हैं? सबसे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि हम कहानी के कैरेक्टर्स यानी के अदाकार जो हैं वो कम से कम रखें, यानी दो या फिर तीन। और अगर कोई रिश्तेदार है उस कहानी के अंदर, जैसे अम्मी अब्बू या कज़न, तो उनको वही नाम दें ताकि जो कहानी सुन रहा है उसके लिए याद रखना आसान हो। दूसरी जो हमारी चीज़ है वो है नैरेटिव। नैरेटिव के लिए ज़रूरी है कि आप जो हैं कहानी के अंदर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उस स्टोरी को बिल्ड करने के लिए उसको ज़रूर शामिल करें। जैसे कि हमने देखा कि हमारी जो फोटोसिंथेसिस की कहानी थी उसके अंदर अम्मी अब्बू और जो बच्ची है उसके बारे में हमने थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दिया। तीसरी हमारी बहुत ज़रूरी चीज़ सरप्राइज़ है। जैसे कि हमने उसके अंदर बताया कि ज़ाइलम इशारे के ऊपर जाके उसने टर्न लिया, जिससे आपको पता चलता है कि अच्छा, अब मुझे कहानी समझ आने लग गई है। अब बात करते हैं एक अच्छी कहानी सुनाने के लिए ज़रूरी चीज़ें। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरी आंखें बड़ी हो रही हैं जब मैं देख रही हूँ, इनको हम कहते हैं एक्सप्रेशंस। आपने देखना है कि जब आप कहानी सुना रहे हैं तो उसके अहम जगहों के ऊपर आपके एक्सप्रेशंस बदल रहे हों। एक्सप्रेशंस बदलने से ये होता है कि बच्चे बहुत गौर से देखते हैं कि क्या हो रहा है कहानी के अंदर। दूसरी जो आपकी ज़रूरी चीज़ है वो है पेस, यानी कि आपकी रफ्तार या स्पीड क्या है कहानी सुनाने की। कुछ जगहों पर आपको कहानी लंबी करने की ज़रूरत नहीं है, उसको बहुत जल्दी से गुजार सकते हैं, जबकि कुछ जगहों पर आपको आहिस्ता आहिस्ता करके बताना होता है। जैसे कि कंप्यूटर साइंस की स्टोरी के अंदर चाय बनाने के तरीके के ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगाया दूसरी दफ़ा, लेकिन पहली दफ़ा में हमने थोड़ा ज़्यादा वक्त लगाया। इसके बाद जो आपकी तीसरी चीज़ है जो कि बहुत ज़रूरी है वो आपकी टोन है। कहीं पर आप अपनी टोन को ऊंचा रखेंगे, कहीं पर उसको धीमा कर लेंगे। और ये इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि जब मैं एक ही टोन से बोलती रहूँगी तो कुछ देर बाद आप बोर हो जाएंगे, लेकिन अगर मेरी टोन एकदम से ऊंची हो जाएगी तो आप जाग उठेंगे।